मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव को लेकर माहौल गर्मा हुआ है, तो वहीं उम्मीदवार भी अब खुलकर मैदान में सामने आने लगे हैं। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों की जनता ने भी पूरा मन बना लिया है और उम्मीदवार के पूर्व कार्यकाल को देखकर ही अपना अमूल्य वोट देने की ठान ली है। इसी बीच जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 2 से मुंदेड़ी पूर्व सरपंच कृष्णपाल सिंह शक्तावत का ग्राम मुंदेड़ी के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि कृष्णपाल सिंह शक्तावत ने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों सहित नगरों में दानवीर के रूप में जाने जाते हैं। मुंदेड़ी में विगत 5 वर्षों से शासन प्रशासन की योजनाओं के साथ साथ अपनी निजी योजना से विधवा पेंशन में पैसे बढ़ाकर देना, गांव के किसी के परिवार में मौत होने पर अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपए की तुरंत सहायता करना, स्थानीय स्कूल में स्वयं से खर्चे से शिक्षक रखना, महाराणा प्रताप सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनवाना, गांव की महिलाओं के लिए स्नान घर बनवाना, प्रतिवर्ष मातृ पितृ और दिवस और वृद्धजनों सहित सैनिकों का सम्मान करना, गांव सहित आसपास आंचल क्षेत्रों में बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीनें वितरण करना सहित पीड़ित व्यक्तियों की हर संभव मदद कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रदेश में एक तरफ चुनावी माहौल गर्माया है, तो वहीं क्षेत्रीय जनता की ओर से जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 2 से मुंदेड़ी सरपंच प्रतिनिधि कृष्णपाल सिंह शक्तावत का नाम भी प्रबल दावेदारों में से निकाल कर आया है। यदि भाजपा पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है तो जिले सहित प्रदेश भर में अच्छे मतों के साथ विजय प्राप्त हो सकती है। आदरणीय सरपंच साहब कृष्णपाल सिंह जी का बहुत ही अच्छा 7 साल का कार्यकाल रहा है। गाँव में ऐसे अनेक योजनाएं उन्होंने चालू की है। शासन के नियमानुसार साथ साथ उन्होंने अपनी निजी योजनाएं भी लागू की, जैसे अंतिम अंत्येष्टि के दिन गरीब वर्ग के लोगों को जो शासन द्वारा 5,000 की योजनाएं दी जाती है, लेकिन उन्होंने साथ में 5,000 रुपये और ऐड करके उन्होंने अपने स्वयं की ओर से खर्च से दिया है। जैसे वृद्धा पेंशन में भी आपने गरीब वर्ग के सभी वृद्धा पेंशन को जो पंचायत द्वारा मिलती है उनको भी उन्होंने 100-100 रुपये और प्रतिवर्ष उन्होंने 7 साल से जो योजना उन्होंने लागू करती लगातार 7 साल तक दिया है। और गांव में वार्षिक उत्सव जो शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कभी वार्षिक उत्सव नहीं होते थे, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन उन्हें माता पिता को बुलाकर उनका सम्मान करना और उनको बच्चों बच्ची को भोजन करवाना और उनको ऐसा संस्कारवान बनाना ताकि माता पिता की वो सेवा करें, ऐसी योजनाएं उन्होंने ऐसी गांव में अनेक योजनाएं लागू की हैं। जैसे गांव में उन्होंने महाराणा प्रताप जयंती के मनाना, सरदार पटेल जयंती मनाना और महापुरुषों का स्मारक बनाना, जो आपने भी देखा ही होगा महाराणा प्रताप की तो स्टेच्यू कम्प्लीट हो चुका है और सरदार पटेल का भी जो स्टेच्यू कम्प्लीट है, इसमें अगर मूर्ति का अनावरण होना है, अभी मूर्ति का ऑर्डर दिया है, अतिशीघ्र आने वाली है और दोनों चौराहे को भी उन्होंने साज सज्जा कर बहुत ही अच्छा पूर्ण बनाया है। कहीं कीचड़ गांव में दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ गांव में घूमकर आप देख सकते हैं सभी तरफ कहीं गांव में कीचड़ नहीं मिलेगा, नालियां वगैरह सब व्यवस्थित है, काम पूरा संतुष्ट है। और ऐसे महापुरुष जो भामाशाह कहा जाता है हमारे क्षेत्र में, आदरणीय सरपंच साहब को नाम से बहुत कम जानते हैं, लेकिन आदरणीय KP कृष्णपाल सिंह जी को भामाशाह के रूप में आप सभी मंदसौर जिला देखता है। ऐसा ही सम्मान माननीय कलेक्टर साहब ने भी अभी एक दिन 4 दिसंबर को हमारे मुंदेड़ी पंचायत में आए थे और उन्होंने काफ़ी प्रशंसा सरपंच साहब द्वारा की गई है और जो बालिकाएं शादी होती है उनको भी प्रत्येक बालिका को गांव में एक सिलाई मशीन देते हैं। गांव में नहीं अभी तो आसपास क्षेत्र में जैसे कोई सैन्य सम्मेलन वार्षिक सम्मेलन हो, कोई शादी ब्याह हो और जहाँ भी आपने उनको आमंत्रित किया है तो प्रत्येक शादी समारोह में उन्होंने सिलाई मशीन भेंट की, लगभग उन्होंने 1,000 मशीनों से अधिक मशीन भेंट की। मंदसौर से रवि पौरवाल की ये रिपोर्ट।